सबसे पहले तो आपका स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक या तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने रुबीना के साथ में काम किया है और इस वक्त वो बिग बॉस के घर में, तो कैसा लग रहा है उनका गेम आपको? मुझे तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बहुत अच्छा लग रहा है रुबीना का गेम, क्योंकि मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो फेक नहीं लग रही मुझे। और वो जो लड़ाई झगड़े, ये तो मतलब ऐसा है कि कोई भी ऐसा है नहीं घर में जो अपने हक के लिए या अपनी बात रखने के लिए लड़ाई ना किया हो या किसी से आर्ग्यूमेंट्स ना हुए हों उसे। और क्या होता है ना कि लड़ाई झगड़ों के साथ साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स भी वहाँ पे वो, अगर आपने ये जो देखा होगा जो मिडनाइट मसाला आता है ना, तो उसमें देखने मिलता है। तो ऐसा नहीं कि हर वक्त लड़ाई 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 चल रही है, बट इसको गलत भी नहीं बोला जा सकता कि अगर कोई अपने लिए स्टैंड ले रहा है तो अच्छी बात है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे अभिनव के बारे में, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रुबीना से जुड़े हुए हैं और जब से वो बिग बॉस के घर में गए उन पे कई सारे एलिगेशंस लगे हैं। लोगों ने कहा है कि वो सिर्फ रुबीना की वजह से बिग बॉस के घर में आए, तो कितना आपको लगता है ये सही है और गलत है? मुझे तो ये सब बिल्कुल गलत लगता है। पहली बात तो ये, वहाँ पर जो भी होगा, ऐसे तो कितने हस्बैंड वाइफ्स हैं, कोई तो नहीं ऐसा किसी को भी उठा के तो नहीं ले आएंगे वो। ज़रूर कोई ना कोई, हर कोई डिजर्व करता है, इसीलिए वहाँ पर है, चाहे वो रुबीना हो, चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे वो दूसरे बाकी कंटेस्टेंट्स हो। तो किसी ना किसी में कुछ ना कुछ देखा है, तभी उसको इतने बड़े शो में बुलाया गया है। तो ये तो बिल्कुल गलत बोला जा रहा है, या जो लोग बोलते हैं ये बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऐसे बोल के आप किसी की जो उन्होंने अपने इस मुकाम तक आने के लिए जो मेहनत की है, आप उस पर पानी फेरने की कोशिश करते हो, जो कि बहुत गलत है। अच्छा, आज निक्की तांबोली ने एक कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि रुबीना ने बहुत ही स्मार्टली निक्की को अपने साइड कर लिया है गेम में, और वो उनको बोल रही है जाके कि तुम मेरे टीम के लिए खेल, ना कि अपनी टीम के लिए। तो अब क्या कहना चाहेंगे उस कमेंट पर? ये किसने किया कमेंट? ये जैस्मिन ने किया है। हाँ। जैस्मिन ने ये कमेंट किया है कि रुबीना ने निकी को जाके ये कहा है कि वो अपनी टीम के लिए ना खेले, मेरे टीम के लिए खेले। अच्छा, तो ये सब तो यार गेम प्लान स्ट्रेटजीज, ये सब तो मतलब रुबीना क्या, मतलब बाकी सब भी बनाते ही हैं अपनी तरफ किसी को लेके आना, फिर अब सो दैट आप जीत जाओ वो जो भी टास्क है। तो ये इसमें क्या गलत है? जिसने भी कमेंट किया रहेगा या जो ये सोचता होगा, उसने भी अगर वो गेम में है तो उसने भी कहीं ना कहीं ये तो कभी ना कभी किया ही होगा। अभी रिसेंटली देखा गया था कि किस तरीके से रुबीना सोनाली को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप बड़ी हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप निकी के साथ में ऐसा मत करो, आपको खाना नहीं फेंकना चाहिए था क्योंकि आप मैच्योर है, तो मुझे आपसे मैच्योरिटी उम्मीद थी। और निकी को उसने कहा कि निकी बच्ची, इसीलिए मैं उसको नहीं समझाने गई थी। पर यही चीज़ हमने देखा कि सोनाली ने किस तरीके से क्या क्या वर्ड्स बोले रुबीना को। सो क्या कहना चाहेंगे उनके झगड़े के बारे में? मैं एपिसोड्स तो नहीं देख पा रही हूँ बिल्कुल भी, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ तो देख पाती हूँ, लेकिन ये, हाँ, ये जो लड़ाई हुई थी ये बहुत मतलब इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी क्योंकि उन्होंने गाली बकी थी। तो ऑब्वियसली ऐसी कोई गाली बकना जो आपके पेरेंट्स को जाकर लग रही है, उनके ऊपर जा रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है। और आई थिंक जब रुबीना ने बोला था आपकी भी बेटी है, तब उनको बुरा लग गया था ये बात, लेकिन आप किसी दूसरे की बेटी के लिए ऐसा बोल रहे हो, अपनी अपने ऊपर जब आया तो बुरा लग गया, तो ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ बोलो कि जो खुद पे भी आए तो सहन कर सको ना। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे रुबीना और अभिनव ने जो खुलासा किया था बिग बॉस के घर में कुछ चीज़ों के बारे में? उन्होंने कहा था कि हमने एक दूसरे को 6 महीने का टाइम दिया हुआ है, हम ऑलमोस्ट सेपरेट होने वाले थे। तो आपको कभी ऐसा लगा कि रुबीना के फेस से या फिर कभी अभिनव से बात करके ऐसा कुछ लगा कि कभी ये लोग सेपरेट होने वाले थे, या कभी कुछ ऐसा डिप्रेशन या समथिंग? मुझे कभी लगा नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं भी नहीं कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेके मतलब ढिंढोरा पीटे या कुछ है। लेकिन वो जिस घर में, वो शो ही इस बारे में है आपकी, आप लोग क्या देख रहे हैं बिग बॉस में कि वो लोग कैसे 3 महीने तक, कैसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो लोग वहाँ गए हैं वो कैसे जी रहे हैं, कैसे रहते हैं, कैसे क्या बातों पर लड़ाई कर सकते हैं, कैसा पेशेंस है, मतलब ये सब चीज़ें जो डेली आप जैसे असली में जो जैसे हो वैसे वो शो में दिखते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा जहाँ पर उन्होंने बोला, बट उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया मुझे ये समझ नहीं आती। अगर उन्होंने अपने रिश्ते को टाइम दिया है, दैट मीन्स वो वैल्यू करते हैं ना अपना रिश्ता, तभी तो टाइम दिया है। और दो जन के बीच में
क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो दो जन ही जान सकते हैं। किसी को उनको जज, उनको क्या मतलब, किसी को भी जज करने के लिए मुझे नहीं लगता ये सही बात होती है। किसी के रिश्ते को जज करने वाला तीसरा इंसान कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे आप ब्रदर सिस्टर्स भी मान लो ना कि भाई बहन भी हैं, वो भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि दो जन का रिश्ता, दो जन के बीच में क्या सही क्या गलत हुआ। कई कितनी बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही है नहीं, लेकिन कंपैटिबिलिटी बैठ रही या अंडरस्टैंडिंग बैठ रही, लोग अलग हो जाता है, वो ज़्यादा बेटर है, या लोग साथ रह के भी एक दूसरे से नफरत करें और अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखें, या मतलब ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इट्स बेटर रिस्पेक्टफुली, अगर किसी के रिश्ते में हो रहा है कुछ गड़बड़ तो वो रिस्पेक्टफुली म्यूचुअली बल्कि मैच्योरली हैंडल करके जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं लें। लेकिन रुबीना और रुबीना के केस में तो मतलब उन्होंने साफ साफ बताया कि उन्होंने अपने रिश्ते को टाइम दिया था। हमारा यार प्रोफेशन ऐसा है कि टाइम, आप अगर कोई काम करते हो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं रह पाता। बहुत मुश्किल है कि इतना अच्छा हैंडल करना, इतने अच्छे से अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल कर पाना, मैनेज कर पाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वो बहुत अच्छे से डिफिकल्ट करती है, मैनेज करती है, जबकि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ प्लस फिटनेस पे अपना इतना ध्यान, वो इतनी फिट है, ये इजी नहीं है, मुझसे पूछो, मैं बिल्कुल फिट नहीं हूँ बट जो सच है तो है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उनकी पर्सनल बातों को, पर्सनल रिश्तों को वीक, उनका वीक पॉइंट बना के या ट्रिगर पॉइंट बना के उनको पोक करना चाहिए बार बार, ये वैसे बहुत बुरा है। फॉरगेट अबाउट रुबीना के बारे में, किसी भी इंसान का पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी ऐसे बार बार उनको हर्ट करना बहुत बुरा है। अरे जब ये किस्सा हुआ था तब पूरे घर वालों ने मिलकर ये कहा था कि इन्होंने ये जानबूझ के किया, रुबीना ने टीआरपी के लिए किया, उन्होंने सिर्फ टीआरपी चाहिए था, उनको बाकी की चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं। तो आपके हिसाब से क्या रुबीना कभी ऐसा कर सकती है सिर्फ टीआरपी के लिए या गेम के लिए? मेरे हिसाब से क्या मतलब, आप खुद बताओ कि रुबीना को टीआरपी के लिए कुछ करने की ज़रूरत है? उसने जो नाम कमाया है, उसने जो काम किया है, और उसको देख के ही समझ में आता है कि उसको मतलब टीआरपी के लिए या फेमस होने के लिए, वोट्स के लिए उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ऐसी जगह से, ऐसे घर से, ऐसे संस्कार उसके हैं ही नहीं। आपको देख के पता चलता है, इंसान का देख के पता चल जाता है, अच्छा बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट कितना बोझ रहा होगा उसके मन में, कितना दुख रहा होगा जो उसने ये बात सबके सामने ली। और लोग ऐसे हैं कि किसी की, इसीलिए पता है क्या बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी अपनी बातें बोलो मत, बिकॉज लोग आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, तमाशा बनाने की कोशिश करेंगे, यही चक्कर होता है। अच्छा रुबीना और अली की बात करते हैं, अली एक तरफ कहते हैं कि वो जाके ना वो राहुल के बीच में कुछ कहते हैं ना रुबीना के बीच में कहते हैं, उन्होंने बोला कि राहुल मेरा अच्छा दोस्त है, वहीं दूसरी तरफ रुबीना की और रिस्पेक्ट करते। लेकिन हाल ही में अभी एक झगड़ा हुआ कल एपिसोड में, जहाँ पर साफ सीधा हमने देखा कि वो रुबीना के अगेंस्ट खड़े हो गए राहुल के लिए। सो क्या कहना चाहेंगे, उनका ये जो दोस्त, वो जो दिखाते हैं कि वो रुबीना की रिस्पेक्ट करते या समथिंग, तो वो झूठ है, क्या कहना चाहेंगे? देखो अभी मैं क्या बोलूँ, इसमें किसी को भी गलत नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो मतलब बिग बॉस में सब लोग कुछ ना कुछ ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, या ऑब्वियसली कोई आपका फेवरेट पर्सन है, कोई किसी से सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप है, तो आपका, आपको पता है जिससे मुझे साथ मिलेगा मैं उसका साथ दूंगा, तो ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो जिसके जितना क्लोज है आप ऑब्वियसली उसके लिए बुरा भी फील करोगे, उसके लिए हर्ट फील करोगे, उसका साथ भी दोगे लड़ने में। तो ये सब मतलब मुझे लगता है कि इसके बारे में सही गलत तो नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पे भी सबको क्लियर ही है कि कौन किसके ज़्यादा क्लोज है। अली के क्लोज में अली के क्लोज राहुल है और रुबीना है, तो उसके क्लोज कौन है, तो ये सब मुझे लगता नहीं कि इसमें इशू बना सकते हैं कुछ। बिग बॉस के घर में एक दोस्ती थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, बट ऑब्वियसली जैस्मिन और रुबीना की, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की दोस्ती टूट गई। एंड फिर जैसे ही वो बिग बॉस के घर के बाहर निकली तो रुबीना ने कहा कि उन्होंने एक सपना देखा कि जहाँ पे उन्होंने जैस्मिन को देखा, पर अभी भी जैस्मिन कहीं ना कहीं ऐसे कॉमेंट करके या फिर कुछ ना कुछ कह के वो दिखा रही है कि वो उनकी दोस्त नहीं, तो क्या कहना चाहेंगी उनके पास? सबसे पहले तो ये कि मुझे बहुत बुरा लगा था जब उनकी दोस्ती टूट गई थी,
क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी साथ में और उनको देख के मतलब अच्छा फील होता जब दो लोग दो लड़कियां सेम प्रोफेशन में और इतने ज्यादा घुल मिल के एक दूसरे का साथ दे रही थी, बहुत अच्छा लगता। लेकिन ट्रस्ट मी, हम ऐसे हम आम जिंदगी में भी देखते हैं, आज हम किसी के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं, कल को कुछ मन मुटाव हो गया, कुछ बात बुरी लग गई, तो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो ये इतना नॉर्मल और इतना नेचुरल मतलब जी लाइफ में ये सब चीज़ें हैं कि इनका क्या कोई इशू बनाएगा। जब तक साथ है कोई अच्छे से साथ है, जब नहीं अगर किसी का जम रहा तो मूव ऑन कर लो। रुबीना और राहुल की बात करते तो राहुल हम हमेशा देखते हैं कि वो हमेशा बोलते हैं कि मैं सही का साथ देता हूँ, लेकिन एक बार सोनाली कुछ कमेंट कर रही थी जिसका उन्होंने उनका साथ भी दिया क्योंकि वो रुबीना के अगेंस्ट थी। तो क्या कहना चाहेंगे इस रुबीना और राहुल के इन झगड़ों के बारे में, एंड कैसा लगता है उनका, उनको दोस्त बन जाना चाहिए आपके हिसाब से या नहीं बनना चाहिए, ऐसे झगड़ना चाहिए क्या? मुझे इतना लगता है कि ये लोग अगर कभी बाहर मिले होते, ये बिग बॉस हाउस में नहीं होते, तो सब लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं इनमें से काफ़ी लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ। अली, ऑब्वियसली अली, रुबीना के साथ और दो शोज कर चुकी हूँ। पवित्रा, ये है मोहब्बतें में जब एंटर हुई थी तब भी मेरी उसकी काफ़ी बात होती थी। ये सब लोग हैं बहुत अच्छे, लेकिन अभी वो बिग बॉस का घर ही ऐसा है कि अभी हम लोग भी सोचो कि 3 महीने के लिए किसी 5-6 लोगों को रख देंगे तो कभी ना कभी लड़ाई तो होगी ही होगी। तो वो हाउस ऐसा है कि वहाँ पे ये सब नॉर्मल है कि लड़ाई झगड़े होने ही हैं। लेकिन हाँ, चाहे कितना भी कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर, रिश्तों को लेकर कभी नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि आपने अली के साथ में भी काम किया है, तो अली का गेम कैसा लग रहा है आपको? अली का गेम सही लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसा अली आपको दिख रहा है काफ़ी हद तक वो ऐसा है, लेकिन वो बहुत ही मतलब अगर आप वैसे उसको मिलोगे, ऑब्वियसली ये घर का तो कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन अदरवाइज आप उसको मिलोगे बहुत अच्छा इंसान है, सच में बता रहे हो, बहुत अच्छा इंसान है, इतना काइंड हार्टेड है सच में। और जहाँ पर भी वो रहता है हंसी मजाक ये सब चलता रहता है, तो वो बहुत अच्छा इंसान है। इनफैक्ट अगर मैं बिग बॉस में चाहती हूँ कि दो लोग जो आगे जाएं तो वो रुबीना और अली ही है। अभी हाल ही में ये कहा गया था कि अली जो है वो फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे, बैक फुट पे खेल रहे, कहीं उनको राहुल का सहारा चाहिए तो कोई किसी और का। सो आपके हिसाब से क्या वो सच में बैक फुट पे खेल रहे हैं या फिर आपको उनकी गेम वो परफेक्ट लग रही है? पहली बात तो ये कि मैं रोज देख ही नहीं पा रही हूँ, और दूसरी बात ये कि लड़ाई झगड़े मैं जब भी देखती हूँ, लड़ाई झगड़ा इतना होता है ना तो मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ। और बाकी गेम प्लान हम क्या जज करेंगे, जो लोग वहाँ पर 24 घंटे रह रहे हैं, ऑब्वियसली हमें तो कम फुटेज देखने मिलती है, मुझे लगता है वो लोग ज़्यादा बेटर खेल रहे होंगे, ज़्यादा बेटर ध्यान दे रहे होंगे, हम तो सिर्फ देख रहे हैं, उनको तो पता ही है कि जीतना है आगे जाना है, तो हम क्या जज करेंगे उनकी गेम। अच्छा, अली और जैस्मिन की जोड़ी कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट लगते हैं बहुत क्यूट लगते हैं दोनों साथ में। अभी तो खैर उन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं तो उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज प्यार सच्चा फील होता है उनको देख के, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जैस्मिन के जाने के बाद में आपको लगता है कहीं ना कहीं अली अकेले पड़ गए हैं और उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो जैस्मिन को मिस कर रहे हैं? ऑब्वियसली आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके अपने नहीं हैं और इतना लड़ाई झगड़ा होता है, तो कोई आपका अपना साथ में होगा, पास में होगा, ऑब्वियसली आपको अच्छा ही फील होगा, और चला जाएगा तो याद भी आएगी। तो फिर से देखना चाहती है दोनों को साथ में? हाँ, ऑब्वियसली साथ में होंगे ही, वो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मुझे तो लगता था कि जैस्मिन को और भी आगे जाना चाहिए था, चाहे रुबीना हो, अली हो, जैस्मिन हो, मतलब ये सब लोग। लेकिन क्या है ना, आप अपने जब आप स्टैंड लेते हो तब आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, जब आप भीड़ चाल में चलते हो तब आप पीछे पीछे रहते हो और आप पतली गली से निकलते भी जाते हो, तो सबकी नज़रों में इंसान तब आता है जब वो अपनी बात रखता है, स्टैंड लेता है, तो ऐसा है। लेकिन हैं ये सब लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो मुझे लगता है जैस्मिन को भी आगे जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो भी है जनता के जो भी डिसीजन है उसको तो मानना ही होता है। जैस्मिन तो बिग बॉस के घर में नहीं है, लेकिन जब वो बिग बॉस के घर में थी तो ऐसा कहा जाता था कि वो अली के वजह से चेंज हो गई थी, क्योंकि पहले कोई और जैस्मिन थी, फिर अली के आने के बाद में कोई और जैस्मिन देखने मिली ऑडियंस को, लोगों को। सो क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में वो अली के वजह से था? मुझे नहीं लगता,
लेकिन क्या होता है जब आपका कोई अपना इतना मतलब जो आपका कोई इतना क्लोज आपके पास है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सिक्योर फील तो करने लग जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं रहा है कि वो अपनी बात नहीं रखती थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने देखा है मुझे ऐसा लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल है और उसने अपनी बातें रखी है, डिसीजंस लिए हैं। और अली का होना ऑब्वियसली बोनस है क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट रहता है साथ में, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुरी बात है। और जैसी वो थी, मुझे लगता है क्या होता है ना, जैसे जैसे समय गुजरेगा आप ज़्यादा घुलोगे मिलोगे, बातें सबसे होने लगेंगी, तब लड़ाई झगड़े होंगे। अब वो बाद में टास्क भी ऐसे देने चालू कर देते हैं, टीम्स ऐसे डिवाइड करते हैं सो दैट लड़ाइयाँ हो, है ना। तो ये सब फिर क्या होगा, जब कोई पहले स्वीट था बाद में लड़ाई कर ली किसी ने, तो फिर वो लोग बोलेंगे कि अच्छा पहले तो बड़ी स्वीट थी अभी लड़ाई करने लगी। लेकिन ऐसा होता है कि रियल लाइफ में भी होता है, जब आपके काम की जगहों पर भी ऐसा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। अच्छा, अली और निकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि निकी ने तो कन्फेस कर दिया था कि कहीं ना कहीं वो अली को प्यार करती है, लाइक करती है, तो लाइक करती है उन्होंने कहा था। लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि उनके बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग एक बॉन्ड नहीं बन पाया, दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ने लगे, झगड़ने, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में। अच्छा, उसने ये कहा था लाइक करती है अभी, क्योंकि ये आई थिंक वहाँ पे लव वाला भी चल रहा ना, वो शायद हाँ। सोनाली जी सोनाली है ना अली, तो मुझे लगा अली इसका कब हुआ निकी का। लेकिन लाइक करना क्या बुरी बात है, ऑब्वियसली आप वहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई आप किसी को लाइक कर रहे हो तो अच्छी बात है, बजाय के डिसलाइक करने की, तो ये अच्छी बात है। और क्या पूछा था आपने, सोनाली और अली के बारे में क्या कहना चाहेंगी, ये जो नया घर में लव स्टोरी बन रही। मुझे नहीं पता ये सच्चा है या झूठ है, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि वो किसी के साथ दिखने के लिए ये सब कुछ करते हैं ऐसा। अगर सच है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई किसी को पसंद कर रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें ये कोई बुरी बात है। और अगर कन्फेस भी कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कुछ बुरी बात है। और अगर ये शो के लिए भी कर रहे हैं तो भी क्या है, ठीक है मसाला दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ का मजाक भी उड़ा रहे, कह रहे कि सोनाली जी की एंड अली अभी उनके सामने मतलब क्या है, तो क्या कहना चाहेंगी, ये जो मजाक उड़ाया जा रहा है। यार मैं क्या बोलूँ, हर कोई इंसान हर सिचुएशन को अलग तरह से लेता है। अगर कोई मुझसे मेरे मतलब पर्सनल व्यूज पूछे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कि छोटा बड़ा या मैरिड अनमैरिड या धर्म वर्म, मुझे नहीं लगता। अगर कोई किसी को पसंद करता है तो करता है, इट्स ओके, आपने कन्फेस किया वेरी गुड, अगर जम रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जम रही तो थैंक यू सो मच आपने लाइक किया, क्या क्या इसमें बुराई क्या है मतलब। अच्छा, लास्टली फैंस से क्या कहना चाहेंगे, बिग बॉस के फैंस से। यस, बिग बॉस के फैंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे दो फेवरेट्स हैं रुबीना और अली, तो अगर जिताना है तो इन दोनों को ही जिताना, बट मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना जीतेगी और वो डिजर्व भी करती है, तो इन दोनों में से कोई जीतेगा तो आई बी वेरी हैप्पी। टॉप थ्री में किसे देखती है? टॉप थ्री में ऑनेस्टली अगर मैं टॉप थ्री में देखती तो रुबीना, अली और हाँ दो में थोड़ी सी मैं कंफ्यूज, या तो जैस्मिन या तो अभिनव, मतलब अभिनव, अभी जैस्मिन तो चली गई है, तो अब जो बचे हुए हैं उनमें से मैं देखती हूँ रुबीना, अली, अभी। अच्छा, अगर जैसे आपने कहा कि आपके दो फेवरेट है अली और रुबीना, अगर दोनों में से किसी को ट्रॉफी मिलनी चाहिए तो किसे मिलनी चाहिए? दोनों में से मिलनी चाहिए तो, क्योंकि रुबीना बहुत पहले से ही इस घर में है, मतलब स्टार्टिंग से इस घर में है, और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है रुबीना। थैंक यू सो मच।